मुंह में घसाई करते हैं। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं मैंने पूरा कवर्ड खाली कर दिया है। बहुत छोटी छोटी उसमें चीजें हैं, जैसे कुछ चूड़ी कंगन हो गया वो जिसमें करने के लिए तो फटक फट वो करके अपना पैसा लेकर जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये आपको आइडियाज देते हैं कि ये ऐसे करो, तो बोले कि क्यों आप नल चेंज कर रहे हो, इसमें सिर्फ संडे को पानी आता है तो ये इसमें लगा देता हूँ, और इसमें रोज आता है तो ये वाला संडे वाले में लगा देता हूँ, ऐसे करके उन्होंने लगा दिया। तो कई महीने निकल चुके हैं वो चीज को, कई महीने हो गए तो पानी नहीं, लेकिन कुछ दिन से देख रहे हो और पानी टपकना, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे वो बेसिन का हो, कहीं का भी हो, घर में पानी टपकना नल से वो अच्छा नहीं होता है, वो शुभ नहीं माना जाता है, ये बहुत बुरा संकेत है। तो आप सबके भी घर में अगर ऐसा हो तो आप पहले नल को अपने चेंज करवाइए, उसको रिपेयर करवाइए, जो भी करवाइए वैसे नल नहीं रहने दीजिए, क्योंकि घर में अगर पानी का लीकेज है तो कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, कभी घर में शांति नहीं आ सकती, कभी समृद्धि नहीं आ सकती। इस वजह से ये सब चीज़ का बहुत ध्यान वास्तु के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि मैं तो देती हूँ ये सब चीज़ का ध्यान, मुझे बहुत टेंशन होता है। तो वो और कबर्ड भी हमने रख लिया है ये दिशा में, जो कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे होना चाहिए, तो वो मुझे चेंज करना है। और एक दो सीनरी मैं लाई हूँ ऐसे ही, तो वो मुझे लगाना है, तो वॉल वहाँ से बंद करवाएं। और उसके अंदर का कुछ तो इतना बड़ा पीतल का था, वो निकाले बोलते देखता हूँ ये मिलता है तो ये ले।